साइबर अपराधी ऑनलाइन ठगी के नए नए तरीके ढूंढकर लोगों को न केवल गुमराह कर रहे हैं बल्कि खातों से रकम भी उड़ा रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में कांडा के पंगचौड़ा निवासी ग्रामीण से ठगी कर 1,10,000 की राशि डकार ली। कांडा थाना अंतर्गत ग्राम पंगचौड़ा निवासी दीपक सिंह मेहरा ने ऑनलाइन शॉपिंग साइट OLX से एक कार खरीदने का सौदा किया, लेकिन उनका संपर्क साइबर ठग से हो गया। साइबर ठग ने उनसे गूगल पे के जरिए 1,10,000 की राशि मंगाई, लेकिन उन्हें कार नहीं मिली। दीपक सिंह को जब ठगे जाने का आभास हुआ तो उन्होंने कांडा पुलिस से संपर्क किया। कांडा पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यहां बता दें कि बागेश्वर में साइबर ठगी के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। इधर बागेश्वर पुलिस ने लोगों से साइबर अपराधियों से बचने की अपील की है। जी, हमारे एक बागेश्वर के निवासी हैं, फौज में है वो, उनके द्वारा जो है OLX में एक ऐड देखा गया गाड़ी के संबंध में, और उसके बाद उन्होंने उनसे जो है फोन में बात करी। उनके जो है 1,10,000 रुपये उन्होंने भेज दिए, जो कि बाद में एक फ्रॉड निकला, जिसके संबंध में हमने थाना में 400 BC का मुकदमा पंजीकृत किया है और इसकी विवेचना चल रही है। मेरा ये ग्रामवासियों से, बागेश्वरवासियों से सबसे निवेदन है कि इस प्रकार ऑनलाइन के फ्रॉड में ना आए, पूरी जांच परख कर लें, और इसमें हम समय समय पर गाँव में जाके इसको जागरूक करते रह रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है कम जागरूक हो रहे हैं, थोड़ा शायद हमारी भी कमी हो रही होगी। और मैं इस चैनल के माध्यम से ये जागरूक करना चाहता हूँ कि आप किसी प्रकार के ऐड, ऑनलाइन फ्रॉड या किसी प्रकार की फेक कॉल में ना आए। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।